नमस्कार, स्वागत है आपका इंडिया न्यूज 28 में। ये बात करते हैं मध्य प्रदेश की कुछ खास खबरों की। मध्य प्रदेश के रायसेन के बाड़ी में शाती ट्रैक्टर ठग चढ़े पुलिस के हत्थे। रायसेन जिले के अंतर्गत आने वाले बाड़ी थाना पुलिस को शाती ट्रैक्टर ठगों को पकड़ने में सफलता हासिल हुई है। ये शाती ठग गरीब किसानों को ट्रैक्टर फाइनेंस कराते थे एवं उनको ट्रैक्टर किराए से चलाने का झांसा देकर ट्रैक्टर बेच देते थे। ट्रैक्टर बेचने वाले ऐसे गिरोह का बाड़ी पुलिस ने पर्दाफाश किया है। गिरोह के 7 सदस्यों को जो कि विदिशा, गंजबासू एवं ललितपुर उत्तर प्रदेश के रहने वाले हैं, योजनाबद्ध तरीके से ग्राम देवरान गड़ौली कला में बेचे 2 ट्रैक्टर क्रमशः महिंद्रा कीमत 6,30,000, जॉन डियर कीमत 7,20,000 रुपये के ट्रैक्टर बरामद कर एक बड़ी सफलता हासिल की है। इस गिरोह के अधिकांश सदस्य पढ़े लिखे होकर बैंक और फाइनेंस कंपनियों से ताल्लुक रखने वाले हैं। मुख्य सरगना जितेंद्र पटेल बॉस पिपरिया से है। रायसेन संवाददाता ब्रजेश ठाकुर की रिपोर्ट। थाना बाड़ी में सूचना मिली थी कि कुछ लोग आर्थिक रूप से कमजोर लोगों को के नाम से ट्रैक्टर वगैरह फाइनेंस करा के और उन ट्रैक्टरों को किराए से चलाने के बहाने उससे होने वाली आमदनी का लालच देकर उन ट्रैक्टरों को बाहर बेच देते हैं। तो इस संबंध में जांच के दौरान हमारे यहाँ बाड़ी थाने में 2 अपराध पंजीबद्ध हुए और अपराध क्रमांक 319/321 और 324/21 जो कि 420C-406 आदि की धाराएं में लगाई गई हैं और इसमें कुल मिलाकर 7 आरोपियों को गिरफ्तार किया है, जिनमें से एक बांस पिपरिया का रहने वाला है बाड़ी क्षेत्र में। बाकी के 4 आरोपी रहने वाले हैं गंज बासौदा एवं विदिशा के और ये सारे का सारा ग्रुप 2 लोग इनके साथ में और भी अरेस्ट किए हैं जो कि ललितपुर के रहने वाले हैं, थाना मड़ावरा के रहने वाले हैं वो लोग। तो उनको ये ट्रैक्टर उन्होंने बेचे थे, चोरी के ट्रैक्टर। गिरफ्तारी हो चुकी है, इसमें 7 लोगों की गिरफ्तारी हो चुकी है, 7 ही अभी तक आरोपी पाए गए हैं। अगर आगे इन्वेस्टिगेशन में कुछ और मिलता है तो तदनुसार कार्रवाई की जाएगी।